हाय, आज हम एक ऐसा टॉपिक देखने जा रहे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विद्यार्थियों को बहुत मुश्किल लगता है और वो इसे अच्छे से कर नहीं पाते। वो टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। है बड़ा आसान, लेकिन शायद बच्चे उस सरलता से इसे समझ नहीं पाते जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज देखेंगे हम कि खेल खेल में कैसे अभाज्य संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हमारे पास 1 से लेकर 50 तक इन गोलों में हमने संख्याओं को रखा है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम खेल खेल में अभाज्य संख्याएं सीख सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, इसलिए इस एक को हम यहां से निकाल देते हैं। अब सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और जितनी संख्याएं इसमें 2 के पहाड़े वाली हैं उन सबको इसमें से निकाल देंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 और इसी प्रकार 42, 44, 46, 48 और 50। तो ये संख्याएं 2 के पहाड़ों वाली हमने सब इस चार्ट में से निकाल दी। इसके बाद अब हम उन संख्याओं को निकालेंगे जो दूसरों के पहाड़े में किसी और पहाड़े में आती हूँ। 3 अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आता, क्षमा कीजिएगा, इसमें से हमें 2 को भी नहीं निकालना था क्योंकि 2 जो है वो अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आता। जी हाँ, इसी प्रकार 3 भी किसी और के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, इसलिए इसको भी रहने देंगे। लेकिन 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 नहीं हटाना है। 6 हट चुका है, 3 3 9 इसको हम हटा देते हैं। 12 हट चुका है, 3 5 15 इसको हटा देते हैं। 18 हट चुका है, 3 7 21 हटा दिया। 27 हटा दिया, 30 हट चुका है, 33 हटा दिया, 36 हट चुका है, 39 हटा दिया और 45 भी हटा दिया। इस प्रकार से ये हमने 3 के जो गुणज थे वो भी इसमें से निकाल दिए हैं। लेकिन फिर से दोहरा रहा हूँ कि 2 या 3 को हमने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यह अपने अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आता। इसी प्रकार से 5 किसी और पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसे नहीं हटाएंगे, लेकिन हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ दिया, 2 के सभी गुणज हटा दिए तो 4 के गुणज भी हट चुके हैं। 5 के गुणज में 5, 10, 15, 20, 25 25 यहाँ है, इसको हटा देते हैं। 30, 35 को हटा देते हैं। 40 हट चुका है, 45 हट चुका है, 50 हट चुका है। तो इस प्रकार से 5 के गुणज भी हमने इसमें से हटा दिए। 6 क्योंकि 2 का गुणज है इसलिए 6 का पहाड़ा भी अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 7 अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 7 को नहीं हटाएंगे, लेकिन 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28, 35, 42, 7 7 49 49 भी हम यहाँ से हटा देते हैं। इसी प्रकार से 8 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, क्योंकि ये 8, 9 और 10 दूसरे संख्याओं के पहाड़ों में आते हैं इसलिए हमने इनका पहाड़ा नहीं पढ़ा। 11 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं, 11 एकम 11, क्योंकि ये और किसी पहाड़े में नहीं आता, इसको नहीं हटाएंगे। 11 दूनी 22, 11 तीय 33, 11 चौके 44, ये सारी संख्याएं निकल चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि 50 तक की सभी संख्याओं में से जितनी संख्याओं दूसरों के पहाड़ों में आती हैं वो अब निकल चुकी हैं। तो आइए, अब ये जो हमारे पास संख्याएं बची ये हैं अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 37, 41, 47 और 47। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में यही अभाज्य संख्याएं हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हमने इस
छोटी सी एक्टिविटी में खेल खेल के माध्यम से ही कुछ गीटियों को हटाकर हमने अभाज्य संख्याओं को प्राप्त किया है। और इसी प्रकार से बच्चे 100 तक, 200 तक, 500 तक अभाज्य संख्याओं को खेल खेल में इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं।